हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग का सेकेंड डे है गोवा में, और हम लोगों ने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि हम लोग का जो स्टे है इस बार वो काफी स्पेशल है। तो ये वो स्टे है और वो आगुंडा बीच के एकदम सामने, मतलब बीच हम लोग के एकदम 50 मीटर्स की दूरी पे। हाँ, मतलब इनफैक्ट हमारा जो कॉटेज का बेड है उस पर से भी हम लोग को पूरा बीच दिखता है। बीच तो आपको दिखा दिया हम लोगों ने लास्ट व्लॉग में, बट उसके साथ साथ स्टे भी दिखा देते कि कॉटेज अंदर से कैसा है। सो गाइस, ये हम लोग का कॉटेज है और उसके सामने ही मस्त ये दो सनबेड रखे है और वहाँ पे बीच है और एकदम मस्त ब्लू पानी है। तो चलिए पहले आपको रूम टूर देते हैं। तो ओवरऑल जो कॉटेज को उन्होंने डिजाइन किया ना, वो बहुत रस्टिक तरीके से किया है और एकदम से ट्रॉपिकल वाइब्स है, और बहुत सारे उन्होंने बाम्बू वगैरह यूज किया है, तो एकदम वो बीच कॉटेज वाला वाइब है इसको। रूम का जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत स्पेशियस है। आप देख सकते हो, इनके साथ थोड़ा बड़ा ग्रुप आ रहे हो या फिर तीन चार लोग फैमिली में आ रहे हो ना, तो उनके लिए ये कॉटेज इनफ है, क्योंकि यहाँ पे भी उन्होंने एक बेड दिया है, छोटा सा सिंगल बेड है। यहाँ पे एक मिरर है फुल साइज, आप उसके साइड में ही टेबल है जहाँ पे अपना सामान रख सकते हो रेडी होने के लिए। ये बड़ा सा उन्होंने डोर और कुछ विंडोज दिए हैं, ये डोर है। फिर उसके बाद यहाँ पे टेबल है, तो अगर अब हम लोगों ने ये कर्टेंस ओपन कर दिया ना तो व्यू मिलता है पूरा बीच का। सो अभी यहाँ पे हमारा ऑलरेडी सामान हमने रख दिया क्योंकि कल रात को हम काम कर रहे थे। फिर ये सोफा रखा है उन्होंने बेड के बिल्कुल आगे, ये है प्रॉपर किंग साइज बेड, काफ़ी कंफर्टेबल है। और बेस्ट पार्ट ये है कि सिंस गोवा में कभी भी इतना ठंड होता नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा गर्म ही रहता है, तो उन्होंने दो एसीज दिए कॉटेज में, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है कॉटेज का, सो प्रॉपर ठंडा होता है, वो एक अच्छी बात है। फिर उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कबर्ड दिया, ये पूरा विंटेज स्टाइल का कबर्ड और बहुत यूथ साइज का कबर्ड है, ये कुछ ऐसा दिखता है कबर्ड। ये लगेज रखने के लिए उन्होंने यहाँ पे रैक दिया है बेड के साइड पे, दोनों भी साइड पे टेबल है। यहाँ पे फिलहाल हम लोग का सारा इक्विपमेंट्स हम लोग चार्ज कर रहे हैं। फिर चाय और कॉफ़ी का सारा सामान है। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है, ग्लासेस दिए हुए हैं, बियर के ग्लासेस भी है, नॉर्मल ग्लास भी है। आई थिंक ये फ्रेम में आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि कितना बड़ा रूम है। अभी मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे वॉशरूम में। सो यहाँ का जो वॉशरूम है हमारे कॉटेज का, वो ओपन वॉशरूम है, साइज़ बहुत ही ह्यूज है इसका। यहाँ पे दो सिंक है हिज और हर के लिए, उसके साइड में उन्होंने एक रैक रखा है जहाँ पे टॉवल्स और कुछ टॉयलेट्रीज है, वॉशरूम है। यहाँ पे बहुत सारे उन्होंने प्लांट्स रखे हैं, ये शार है, अगेन यहाँ पे भी बहुत सारे प्लांट है, और इसका रूफ कुछ ऐसा है। पर्सनली हम लोग बहुत बड़े फ़ैन नहीं है ओपन वॉशरूम के, क्योंकि हम लोगों को लिजर्ड से, छिपकलियों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इंसेक्ट से भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। सो ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ओपन वॉशरूम रहेगा यहाँ पे, तो आई थिंक थोड़ा क्लोज रहेगा ना तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ओपन वॉशरूम से इश्यू होता है। प्लस कल यहाँ पे बहुत सारा बारिश भी गिरा था रात को, लाइटनिंग भी बहुत सारी हो रही थी, इस वजह से हम लोग बहुत लेट भी सोए और बहुत लेट उठे, तो ये वॉशरूम पूरा गीला हो गया था, तो ईजी टू यूज़ नहीं होता यूजुअली ओपन वॉशरूम, ऐसा मुझे लगता है। बाकी लोगों का जो प्रेफरेंसेस है वो डिफरेंट हो सकता है। सो गाइज, ये है हमारा बीच फ्रंट कॉटेज। अभी जकूजी हमारा ऑलमोस्ट फिलअप हो चुका है, तो हम वहाँ जाके थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे। ये हम लोग का फर्स्ट टाइम है कि हम लोगों ने सी साइड वाला कॉटेज बुक किया है, तो जो सुबह का मॉर्निंग वॉक वाला जो अपॉर्चुनिटी है वो मुझे बिल्कुल मिस नहीं करना था। ऐसे तो मैं कभी मॉर्निंग वॉक को जाता नहीं हूँ, बट इतना अच्छा व्यू रहेगा तो कौन नहीं जाएगा, तो उसके लिए मैं सुबह 7 बजे स्पेशली उठा था और मस्त वॉक करके आया। मेरा ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर का वॉक हो गया और सुबह बहुत अच्छा कार्डियो भी हो गया मेरा। तो गाइज, ये वाला जो जकूजी है ना, ये काफ़ी बड़ा है, इसके लिए मेरे लिए तो बहुत कंफर्टेबल है, उन्हें तो मुझे बहुत जल्दी बैक पेन शुरू हो जाता है, तो मुझे ऑलमोस्ट अभी हाफ एन आवर हो गया मैं जकूजी में बैठा हूँ और व्यू तो बहुत ही अच्छा है। और फ्रैंकली बोले तो कुछ भी काम करने का, व्लॉग करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि इधर जकूजी में ही बैठे रहे। फर्स्ट टाइम मुझे जकूजी में थोड़ा रिलैक्सिंग फील हुआ, नहीं तो इसके पहले जब भी मैं जकूजी में जाता था मेरा बॉडी पेन शुरू कर देता था। इस बार फर्स्ट टाइम मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब रिलैक्सिंग का ऑपोजिट होता था ना आपके साथ। हां, रिलैक्सिंग का एकदम ऑपोजिट। अभी हम लोग सनबेड पे बैठे, थोड़ा सन नीचे जाएगा ना फिर हम लोग पानी में जाएंगे। और गाइस, ये वाला जो है ना कॉटेज, इसको देखो स्टेयर्स है, तो अगर आपको ऐसा थोड़ा ऊपर वाला भी चाहिए रहेगा ना, उधर से वेंटेज पॉइंट अच्छा है बीच का, तो आप वो वाला भी ले सकते हो। हमारा तो ये वाला आपको दिखाई हम लोगों ने।
अभी हम जा रहे हैं बीच की तरफ, और यहाँ पे ना उन्होंने बाहर ही एक शार दिया हुआ है, ये रहा वो शार। तो वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा क्लीन कर लिया बॉडी, अभी जा रहे हैं बीच की तरफ और एंजॉय करेंगे। ये फर्स्ट टाइम है हम लोग गोवा के किसी बीच में जा रहे स्विम करने। हाँ, इसके पहले कभी गए नहीं है। कल आप गए थे पर मैं नहीं आई थी। सनसेट के टाइम पे स्विम करके, मैं पहली बार इतना समंदर के अंदर गई क्योंकि मुझे बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं आता है, इनको थोड़ा बहुत आता है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही क्लीन पानी है, और लड़कियों को अगर बिकिनी डाल के स्विम करना है तो ये बीच बहुत सेफ है, कंफर्टेबली जा सकते हैं। हाँ, यहाँ पे क्राउड काफ़ी अच्छा है, फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा है, तो कम्प्लीटली सेफ है यहाँ पे। सो ये है हमारे रूम के बाहर शार। नहीं, गर्म ही आ रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं किधर तो खाने को, क्योंकि पानी में जाने के बाद हमें बहुत ज्यादा भूख लग रहा है। और एक्चुअली आफ्टरनून में भी ना हम लोगों ने ठीक से खाया नहीं, सिंस इनका इन हाउस रेस्टोरेंट नहीं है तो वो लोग ऑर्डर करके देते हैं खाना। फूड अच्छा था टेस्ट में, बट मैदे का रोटी था, तो ज्यादा खाना गया नहीं। और अभी बहुत भूख लग रही है सिंस हम लोग पानी में भी जा गया है, तो जल्दी से जाते हैं खाने को। ऑलमोस्ट मानसून शुरू हो गया है ना, तो सारे जो शैक्स है वो यहाँ पे बंद हो चुके हैं, हार्डली 2-3 ही शुरू है। तो हम लोग कल जहाँ पे गए थे उसमें का एक और शुरू है, तो मोस्टली हम लोग वहीं पे जाएंगे। हाँ, एम्बियंस भी अच्छा है उसका, यहाँ से सिर्फ 2 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पे। आज मॉर्निंग में हम लोग गए थे वॉक के लिए, 7:30 बजे गए थे, फिर भी काफ़ी धूप आ गया था, बट मज़ा आया। अभी हम लोग फ्रेश हो गए हैं और वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। बट व्यू के साथ काम करने को मज़ा आता है। हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, और ब्रेकफास्ट हमारे रूम के कॉस्टिंग में ही इंक्लूडेड है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या हमने ऑर्डर किया है। सो मैंने मेरे लिए ऑर्डर किया है मसाला ऑमलेट विथ ब्रेड, उसके साथ उन्होंने बटर और जैम दिया है। यहाँ पे वाटरमेलन जूस है, कॉफ़ी है, ब्लैक कॉफ़ी। यहाँ पे इन्होंने बोला है इंग्लिश ब्रेकफास्ट, क्योंकि गोवा में आके ये इंग्लिश ब्रेकफास्ट ही खाते हैं, और कल का भी बहुत अच्छा था। हाँ, सो यहाँ पे उन्होंने बोला है फ्राइड एग, नहीं फ्राइड एग नहीं, सनी साइड अप। हाँ सॉरी, सनी साइड अप। ये सॉसेजेस है, चिकन सॉसेजेस। ये बेक्ड बीन्स है, यहाँ पे ग्रिल टमेटोज है, ब्रेड है टोस्टेड, जैम और बटर, और उन्होंने बोला है ये पाइनएप्पल जूस। आप अगर वेजिटेरियन हो तो आपके लिए वेजिटेरियन ऑप्शंस भी, आप पराठे का ऑप्शन है, फ्रूट प्लेटर है, और एक दो चीज़ें के ऑप्शन है, बट वेजिटेरियन के ऑप्शंस भी है। आपको ऐसा लगता रहेगा सिंस हम लोग बीच कॉटेज में रह रहे, तो यहाँ पे सेफ्टी कैसा है, तो आई थिंक सेफ्टी वाइज भी बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड है, क्योंकि मैं रात को वॉशरूम के लिए 2-3 बार उठा था, उस टाइम पे भी मैंने एक चीज़ नोटिस की कि रिसेप्शन में का कोई एक बंदा फुल टाइम अवेक है, तो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। और आपने रूम तो देखा है, रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब अगर आप फैमिली हो 4 लोग होंगे तो भी आप आराम से यहाँ पे रह सकते हो। हमारे इस ओवरऑल स्टे में अगर एक चीज़ मुझे चेंज करनी होगी ना, तो वो है ओपन वॉशरूम। यहाँ पे उनके पास क्लोज्ड वॉशरूम वाले कॉटेजेस भी है, तो अगर आप हमारी तरह क्लोज्ड वॉशरूम प्रेफर करते हो तो उन्हें बुक करते टाइम ही पहले से बता के रखिए। प्लस वो लोग ने काफ़ी इको फ्रेंडली रखा है, यहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ उन्होंने बहुत ही कम किया है, वाटर मतलब पानी का जो बॉटल है वो भी वो आर ओ से फिलअप करके देते हैं। तो हमारा स्टे का कॉस्टिंग है वो 9,000 पर नाइट हमने पे किया है, जिसमें हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। अब यहाँ से हम जा रहे हैं एक और स्टेकेशन के लिए, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और साउथ गोवा में ही है वो। सो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया रहेगा। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय वंडरर्स।